मिलकर अपने पति की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में व जयराम क्षेत्राधिकारी शहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में सतीश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कठीला समय माता के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा अफसाना खातून पत्नी नईम और रमजान निवासिनी गौरधी टोला चौधरी डी थाना मिश्रोलिया जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपने पति नईम और रमजान पुत्र मोहसिन की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। उक्त गुमशुदगी की जांच प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह की निर्देशन में उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार यादव द्वारा की जा रही है। जांच के क्रम में गुमशुदा व्यक्ति नईम उर्फ रमजान की पत्नी अफसाना खातून व तुफेल पुत्र अनुल्ला निवासी कठेला करवी टोला पंडित पूर्वा थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर का प्रेम संबंध के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। संदिग्धता के आधार पर अफसाना खातून व तुफेल से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अफसाना खातून व तुफेल के मध्य प्रेम संबंध था, जिसमें अफसाना का पति नईम उर्फ रमजान बाधक बन रहा था। इसके कारण उनके द्वारा रमजान को अपने रास्ते से हटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अफसाना खातून द्वारा रात्रि में अपने पति के खाने में जहर मिला दिया गया तथा नईम उर्फ रमजान की मृत्यु निश्चित करने के लिए तार से गला कस दिया गया। दोनों ने मिलकर शव को मृतक की मोटरसाइकिल पर रखकर सौरहवा ग्रांट ग्राम की सवान में खेत में फेंक दिया था। आज कठेला समय माता पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। इसमें जो मृतक है नईम उर्फ रमजान, इसकी गुमशुदगी 24 अक्टूबर को इसकी पत्नी ने थाने पे लिखवाई थी और इसकी जब जांच की गई तो इसमें ज्ञात हुआ कि इसका एक प्रेमी भी है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो पूरी कहानी खुल के ये आई कि 23 अक्टूबर को इस महिला ने खाने में जहर देके पहले अपने पति को मार दिया और इस अपने प्रेमी को बुलाया और इसकी मौत को सुनिश्चित करने के लिए तार से इसका गला घुटा गया और फिर इसको बाइक पे रख के ये खेत में छोड़ा है और इसकी बाइक भी थाना इटवा क्षेत्र अंतर्गत छोड़ के आ गई। इसके बाद इनके पास से जब पूछताछ की गई तो इसका शव भी बरामद किया गया और साथ ही ये जो जिस तार से इन्होंने गला घोटा तो वो भी बरामद किया गया इनके पास से और जो मृतक की है मोटरसाइकिल ये भी बरामद हुई है और इन दोनों को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है, जिसमें जो महिला का नाम है अफसाना खातून और जिसका प्रेमी है तैफुल पुत्र अहमद।